हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा दूसरा दिन है कचभुज में और अभी सो के उठे, आज जल्दी उठ गए। कल रात को देर से सोए थे क्योंकि थक भी बहुत गया था कल, और रूम भी चेंज करनी पड़ी, कुछ एसी में लीकेज हो गया था इसलिए। तो आगे 12:30 से 1 बजे के आसपास हम सो गए और अभी बजे 7, यानी कि मैं 5:30 बजे हम सब उठ के रेडी होके अभी निकले। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी आपको महसूस होगा कि गर्म हवा आ रही है कहीं। ठंड तो बिल्कुल नहीं है और कभी कभी बारिश गिर रही है क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नखत्राड़ा, माता जी का मढ़, नारायण सरोवर और मांडवी बीच, क्योंकि हमें ये सब कंप्लीट करने में 350 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, यानी कि पूरा दिन ऑलमोस्ट लगने वाला है। और शाम को हम आज वापस जाने का सोच रहे हैं क्योंकि एक ज़रूरी काम आ गया, इसलिए शायद हम आज शाम को रिटर्न हो जाएंगे। मैं तो रेडी हूँ नहा धो के क्योंकि जल्दी निकलना है यहाँ से, और बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं अंदर। जैसे ही रेडी होंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। फिलहाल बारिश का मौसम है, फिर भी धूप देखो यार, ताबड़ तोड़ गर्मी पड़ रही है। इस रास्ते पे आप जहाँ भी नज़र घुमा लो वाइन टर्बाइन ही देखने को मिलेगी, और मैंने कहीं सुना है कि वाइन टर्बाइन जहाँ होती है वहाँ पवन सबसे ज़्यादा आता है। उन लोगों का कुछ नेक्स होता है और वहीं पे वो जहाँ पवन ज़्यादा आता है वहीं पे वाइन टर्बाइन लगाते हैं। माता जी, तो फाइनली गाइस माता के मढ़ पे पहुँच गए। तो ये है जी माता जी का मढ़, आशापुरा माता जी का मंदिर। यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है। और ये सब प्लेस है जो यहाँ से नज़दीक में है घूमने के लिए। शुक्र काट दी दो। जगह अच्छी लगी तो कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स लेने के लिए रुके थे। अगर आप भी वो वीडियो और फोटोग्राफ्स देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम जा रहे हैं नारायण सरोवर, जो कि यहाँ से
लगभग 60-70 किलोमीटर के आसपास है। ये सब वो विलेज है जो हमारे देश के आखिर में गणते हैं लास्ट विलेज, क्योंकि ये आप रण देख रहे हो, उसके बाद सीधा पाकिस्तान बॉर्डर आता है। पाकिस्तान में पहले क्या था वो पता नहीं, बट इस रण के बाद सीधा पाकिस्तान आता है। केवो रह्यो रस्तो, नजारा वच्चे थी आवानी कई मजा आई। ए साइड है नारायण सरोवर, यानी कि आपको पुराना गुजरात देखने को मिलेगा। पहले के ज़माने में जो लोग जिस तरीके से मकान दुकान सब बनाते थे वही तरीके से, और इसको रिनोवेट भी नहीं किया। मंदिर भी अभी पुराना है, कलर भी नहीं किया। और ये है सरोवर, अब पानी तो बहुत कम है, वैसे भी यहाँ पानी के बहुत दिक्कत है। यार पवन देखो यहाँ पे जबरदस्त आ रहा है, और सच में यही बात होती है कि जहाँ से पवन ज़्यादा गुजरता है वहीं पे ये लोग इसकी फिटमेंट करते हैं। और पुरानी पवन चक्की इतनी हाइट पे नहीं होती थी, ये नई तरीके से डिजाइन की गई पवन चक्की है, और इसकी हाइट पुरानी पवन चक्की से 1.5 गुना बढ़ गई है, और आवाज़ भी बहुत कर रही है। दूर से हमको मालूम नहीं पड़ता कि ये कितना आवाज़ कर रही है, बट पास आके देखो कभी तो आपको पता चलेगा, जबरदस्त आवाज़ कर रही है। इसके नीचे खड़े रहना भी मुसीबत है, क्योंकि पता नहीं कब गिर जाए। हमें ऐसा लगता है गिरती नहीं है ये। ये देखो वाइन टर्बाइन का मेन जो डिपार्टमेंट होता है वो ऊपर ही होता है, नीचे तो उसका फाउंडेशन और हाइट बढ़ाने के लिए ही सब कुछ दिया गया है, और केबल नीचे से ऊपर जाते हैं, बट मेन तो टर्बाइन ऊपर ही होता है। सो बस गाइस, इस वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में आपको मांडवी बीच देखने को मिलेगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।